एक रावण को तैयार होने में लगभग 10 से 12 दिन लगते ही लगते हैं। हमने 2 महीने लगा दिए और इन्होंने 3 सेकंड में वो जला दिया। सबसे बड़ा रावण मैडम 50 फुट का बनाते हैं हम लोग। दीज पीपल मेक 60 रावण एफिजीज एवरी ईयर ड्यूरिंग दशहरा। Brute is here to find out what all goes behind running one of the biggest effigy markets in Asia. Situated between the narrow stretch of Delhi's Subhash Nagar and Tagore Garden, there's a locality known as Titarpur, where not only men, but women and their children work day and night breathing life into the many ravans. सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बाहर से आते हैं, घर के पड़ोसी सब, मतलब एक दशहरा त्योहार हो जाता है अद्भुत। बच्चे भी खुश होते हैं ये काम करके, किसी को कालक करना पसंद है, किसी को लेई लगाना पसंद है, किसी को मस्ती करते करते काम कर जाते हैं पता नहीं चलता। कुछ बच्चे अपने शौक के लिए करते हैं, कुछ अपने निजी ज़िंदगी के लिए, दो पैसे कमाने के लिए, सबके लिए एक काम है ये, फ्री कोई नहीं है इसमें। द रावण वालास स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ रावण 2 months इन एडवांस। हम जो है हम काम कर रहे हैं रावण के फेस के ऊपर, फिर उसके काम करेंगे उसके धड़ के ऊपर, फिर उसके घाघरे के ऊपर। थोड़ी बनेगी, फिर इसकी मूछें बनेंगी, फिर इसकी आंखें बनेंगी, फिर नाक लगेगी। ना हमें खाने का टाइम होता है, हमें यही नहीं पता कब हमने सुबह खाया, हमें शाम का नहीं पता, हमने अभी चाय पी, हमें यही नहीं पता हमने कब पीनी, हमें पानी का नहीं पता, हमारे मुंह सूख जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिसंस, कार्विंग द फेस एंड द चेस्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन द प्रोसेस। मुश्किल तो इसी में ही होती है, चेहरा बनाने में मुश्किल तो सारे ही काम में इसके अंदर। क्या मुश्किल है? क्योंकि एक बांस को फाड़ना, काटना, उसको बिल्कुल गोलाई देनी, मुड़ाई देनी, देखो हाथ पैर सब कट जाते हैं हमारे। छाती में लगता है मैडम, सीना जो होता है ये मजबूत अगर नहीं बनाएंगे तो फिर रावण अड़ेगा नहीं। मेन छाती में ही बल्ली उल्ली सारी फिटिंग होती है। तो छाती को बनाने में कितना टाइम लगता है? उसमें टाइम लगता है 20-25 दिन लग जाता है। द फ्रेमवर्क इज बिल्ट विद बैम्बू स्टिक्स दैट आर टाइड टुगेदर विद स्टील वायर्स। दिस इज फॉलोड बाय रैपिंग द फ्रेम विद ओल्ड साड़ीज एंड लेटर विद खाकी पेपर। A colored paper or a glaze paper is pasted over the model using lei as a glue, which is then painted and decorated once it dries. 5 फुट से लेके 50 फुट तक हम लोग बनाते हैं, और 1500 रुपए से हमारे 5 फुट का रावण का रेट स्टार्ट हो जाता है और 20000 रुपए लास्ट जाता है। ये 50 फुट का है, 50 फुट सबसे बड़ा है? हाँ जी, सबसे बड़ा सेट है ये। अच्छा, इसका प्राइस है आपका 35000। छोटे 1 फुट के रावण का 200 से 250 रुपए होते हैं। The artisans had effigies shipped to various cities such as Agra, Mathura, Vrindavan, Sonipat and countries like Australia too. ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला चला गया, वो मेरे ख्याल से राखी से पहले चला जाता है, 3 महीने पहले चला जाता है। 3 पीसेस जाते हैं उनके, 3 चेहरे हो गए, 3 धड़ का वो कंटेंट, बड़ा वाला कंटेंट नहीं होता उसमें जाता है, वो जहाज में जाएगा शिप में। आपने जो ऑस्ट्रेलिया भेजा था वो कितने का था? वो था कोई 1,20,000 रुपए का। As the whole village comes together to deliver orders from across India, the main concerns of the artisans are the unpredictable rains and theft. एक सबसे ज्यादा टेंशन रावण की, लोग खरीदने से बचते हैं, चोरियां कर करके ले जाते हैं, किसी का चेहरा ले जाएंगे, किसी के हाथ ले जाएंगे, धड़ ले गए रावण का छाती, किसी का घाघरा उठा लेते हैं, किसी का कुछ उठा क्या लेते हैं। करते हैं उसके बाद पता नहीं, वो अपना जॉइंट करके जलाते होंगे ऐसे चोरियां कर करके। 15 दिन पहले रात भर जगना पड़ता है क्योंकि इसकी देखभाल भी करनी है, लोग हैं, चोरियां। After the ban on firecrackers, the artisans said that they are primarily involved in making the effigies. The decision about adding firecrackers is entirely up to the client. जब रावण 3 सेकंड में जल जाता है आपको वो कैसा लगता है? हाँ मैडम, एक बार तो सोचना पड़ता है हम लोगों को कि बड़ी जल्दी जल गया यार, बट पैसे आ जाते हैं ना तो फिर इतना दुख नहीं होता हम लोगों को। फर्क पड़ता है भाई, 2 महीने की मेहनत लगी होती है, जब वो जलता है एकदम से हमें अपनी वो मेहनत याद आ जाती है, हमने 2 महीने लगा दिए और इन्होंने 3 सेकंड में वो जला दिया। तो लोग कहते हैं कि रावण नहीं जलाना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन और ये सब होता है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? तो हम लोग इन बातों पे यकीन नहीं करते, शुरू से चलता आ रहा है दशहरा, आज तक रुका नहीं है तो आगे भी नहीं रुकेगा मैम, तो रावण का दहन होना है और होकर रहेगा। अगर हमारे रावण बच जाते हैं तो हम अपना दशहरा यहीं बनाते हैं पार्क में। Once the festive season is over, the artisans will return to their professions such as farming, driving cabs and even painting, only to return next year for the love of their craft.